रविवार 11 फरवरी को मॉस्को के दम दजिया दवा हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद एक रूसी यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान में 71 लोग सवार थे। सारातोव एयरलाइंस का ये विमान उड़ान भरने के कुछ मिनटों बाद ही गायब हो गया। मॉस्को से 80 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्वी में अर्गुनोवा गांव के करीब ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। स्थानीय समय के अनुसार दोपहर के समय विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। रूसी मीडिया से अधिकारियों ने कहा है कि विमान में सवार सभी लोग मर गए हैं। विमान पर सवार 71 लोगों में 65 मुसाफिर थे और 6 चालक दल के सदस्य। एयरलाइन सेक्टर पर नजर रखने वाली वेबसाइट फ्लाइट रेडार 24 ने ट्वीट कर बताया है कि उड़ान भरने के 5 मिनट के बाद विमान 1000 मीटर प्रति मिनट की गति से नीचे आने लगा था। समाचार एजेंसी ने एक अधिकारी के हवाले से बताया है कि मलबे नजदीक ही शव मिले हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीड़ितों के परिजनों के प्रति सहानुभूति प्रकट की है और दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। रूस के gazeta.ru वेबसाइट ने अज्ञात जांचकर्ताओं के हवाले से कहा है कि पायलट ने एक खराबी के बारे में बताया था और आपातकालीन लैंडिंग का अनुरोध किया था। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।